ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत दी है, लेकिन अभी तक इस वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जहां ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत दी है। यह दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो डीएनए पर आधारित है। यह वैक्सीन वयस्कों के अलावा 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। जहां वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर भले ही मंजूरी मिल गई हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को इसे लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मीडिया के माध्यम से ही हमें मालूम पड़ा था कि बच्चों के लिए, चूंकि अभी वर्तमान में वैक्सीन का अप्रूवल हुआ है जिसको कि बच्चों में उपयोग होना है, पर राज्य सरकार से हमें अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए कि जिसमें कि बच्चों का वैक्सीनेशन कब से किया जाना है, किस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन किया जाना है। जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त होंगे उस आधार पर हम अपना कार्य शुरू करें। देखिए, जो अभी वैक्सीन अप्रूवल मिला है कैडिला का जायको वैक्सीन को, उसकी जो टेक्निक है वो इंजेक्टेबल टेक्निक के अलावा जो इंजेक्ट गन होती है, सुई लेस होती है जिसको बोला जाता है, उसके माध्यम से जाना है। पर मतलब हमें कौन सा वैक्सीन उपलब्ध होगा, किस प्रकार उपयोग होना है, वो पूरा दिशा निर्देश अगर जब भी हमारे पास आता है तो हम उसके बारे में अवगत कराएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग का अमला बच्चों के टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां निर्देश मिलते ही 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को चिन्हित कर उनके टीकाकरण की तैयारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।